स्वामी नेत्र का ब्रह्मचर्य, जो नेत्र किसी को भी देखकर भोग कामना कर लेते हैं, भोग बुद्धि से देखते हैं वस्तु को, व्यक्ति को, किसी को भी, ये नेत्र से व्यभिचार हो रहा है। नेत्र का ब्रह्मचर्य सबसे पहले शुरू कीजिए। आपको वो चीज नहीं देखनी, वो बात नहीं पढ़नी, वो दृश्य नहीं। श्रीमद् भागवत में वर्णन है, कोई पशु पक्षी भी मैथुन कर रहा हो, अचानक दृष्टि गई तो मानसिक प्रणाम करके दोबारा दृष्टि नहीं जानी चाहिए। नेत्र का ब्रह्मचर्य, फिर वाणी का ब्रह्मचर्य, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है इससे। यदि आप जवान से अश्लील बातें, गंदी बातें, कामुक बातें करेंगे तो आप ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकते। अगर आप वाणी से परस्पर शरीर आकर्षण वाली बातें करेंगे, बट उसको देखा तुमने क्या, बस आप गए।